जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2019 वाली जिसकी रनिंग लगभग लगभग समाप्त हो चुकी है, उसके संबंध में एक नई नोटिस आई है। इस नोटिस में क्या है और रिजर्व डेट के प्रावधान क्या हैं, उसके अलावा डीवी कब तक होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब वाला बटन आपके सामने होगा, दबा देना है। बाकी नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी दबाना है और लाइक करते हुए चलना है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस या फिर जीकेजीएस से संबंधित तमाम वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो 15 अप्रैल यानी आज की डेट में अभी अभी नोटिस आई है। नोटिस में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको नोटिस टेलीग्राम चैनल हमारे कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे भी मिल जाएगी। आप @ लगा के टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा या फिर नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए, यहाँ कह रहा है आयोग के विज्ञापन संख्या इतना वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण परीक्षा केंद्र गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज गुडम्बा रोड लखनऊ कुर्सी रोड दिनांक 20/3/23 से 17/4/2023 तक आयोजित किए जाने की सूचना दी गई थी, ठीक है। और 14 मार्च को यह खबर प्रकाशित की गई थी। उसके अलावा यहां पर देखेंगे तो लिखा है प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न कुल मिलाजुला करें। यहां पर कह रहा है कि परीक्षा के दौरान विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा उनका किसी कारणवश रिजर्व डेट के दिन एप्लीकेशन वहां पर दिया गया था, उन्होंने आयोग से अनुरोध किया था। तो कह रहा है कि आयोग द्वारा आयोग में प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचार उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को शारीरिक एवं मानक परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु रिजर्व डेट 17/4/2023 यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर आवेदन दिया था आयोग में रिजर्व डेट के आने के लिए, उनके बारे में आयोग ने विचार किया है और उसके बाद यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर आने का अनुमति दिया गया है। जिन लोगों ने भी दिया था तो आप यहाँ पर अपना रोल नंबर मिला सकते हैं, रोल नंबर आप आराम से मिला लीजिएगा रोक रोक करके। तो देखिए, जिनका रोल नंबर है, जिन्होंने दिया था उनका रोल नंबर यदि यहाँ पर है तो वही लोग यहाँ पर जा करके आप अपना रिजर्व डेट में अपना फिजिकल करा सकते हैं। टोटल कितने लोग हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल मात्र 44 लोगों ने आवेदन दिया था, तो 44 लोगों को यहाँ पर मौका दिया है। हमने पहले भी वीडियो जब बना रहे थे तो हमने कहा था कि यदि आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ पर आवेदन ज़रूर दीजिएगा, आवेदन देने पर ही मान्य होगा आपका फिजिकल के लिए। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है उनको यहाँ पर जाने का मौका नहीं दिया गया है। अगर दे भी दिया जाता तो सोचिए, प्रत्येक दिन लगभग 220-230 जाते थे, लगभग 70-80 के करीब रोज़ अब्सेंट होते हैं, ठीक है। उस तरह दिया जाता तो लगभग मान के लिए 1200-1500 के करीब लोग हो जाते। इसलिए जिन लोगों ने आवेदन दिया था केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया है। उसके बाद उपरोक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के संबंध में पूर्व से जारी प्रवेश पत्र ही मान्य होगा, यानी कि आपका जो पहले से प्रवेश पत्र जारी है वही मान्य होगा। अतः पूर्व में जारी अपने प्रवेश पत्र एवं वांछित अन्य प्रपत्रों के साथ निर्धारित समय व समय पर प्रश्नगत परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करें। तो आपको समय से जाना है, समय आपको नहीं पता तो अभी हम बता दे रहे हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु रिजर्व तिथि 17/4/2023 के अतिरिक्त कोई भी अन्य तिथि प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि जिन लोगों का भी यहाँ पर नाम आया है इसके अतिरिक्त, यानी कि 17 तारीख के अलावा आप नहीं जा सकते, आपको फिर वहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो 17 तारीख को आपको सुबह सुबह पहुंच जाना है। आपके एडमिट कार्ड पर सारा कुछ डिटेल लिखा होगा। वहां पर एंट्री की बात करें तो इस समय एंट्री 5:30 के करीब हो रही है, तो आप 5:30 के करीब पहुंच जाइएगा। 44 लोग हैं तो ये कई बैच में सबको दौड़ा दिया जाएगा 7:00 के करीब। सबसे पहले आपका हाइट नापा जाएगा, फिर उसके बाद चेस्ट नापा जाएगा, उसके बाद पैरों में चिप बांध करके आपको दौड़ा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम तो देखिए, डीवी कब तक होगा सबसे बड़ा लोगों का सवाल है। तो देखिए, अभी क्या क्या होगा तो यहाँ पर जान लीजिए। रिजल्ट मतलब कल तो 17 तारीख को सबकी कंप्लीट हो जाएगी रनिंग। उसके बाद जितने लोगों ने फिजिकल दिया है, ठीक है, उनका डेली का डेली तो वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर चिपका करके रजिस्ट्रेशन मेंशन कर दिया जाता था, लेकिन जैसे ही सबका कंप्लीट होगा सबका अलग से, ठीक है, सभी लोगों का एक बार फिर से आयोग की वेबसाइट पर सभी क्वालिफाइड लोगों का लिस्ट एक बार निकाला जाएगा। यह लिस्ट कब तक निकाल दिया जाएगा तो लिस्ट एक हफ्ते के अंदर या फिर इस महीने के लास्ट तक आप मान सकते हैं कि यह लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद आपके डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो और आगे की जानकारी जितनी भी, जैसे डीवी के लिए कब तक डीवी के लिए बुलाया जाएगा, कब तक फाइनल रिजल्ट आएगा, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसके बारे में डिटेल से बता देंगे। बाकी यही जान लीजिए कि डीवी आपके अभी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और जिनका जिनका कल होना है यानी कि 17 को होना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 25 किलोग्राम भार, मतलब 10 किलोग्राम भार लेकर के 25 किलोमीटर की रनिंग या फिर पैदल चाल आपको पूरा करना है पुरुषों के लिए। और जितना भी गोला बना है, ठीक है, यानी कि जो रोड बना है उसको टोटल 11 चक्कर मारना है, और 12वें चक्कर में मात्र 800 मीटर की दूरी तय करनी है पुरुषों के लिए। यही सेम चीज़ महिलाओं के लिए है, बस जो रनिंग यानी कि जो वहाँ पर ग्राउंड बना है उसमें महिलाओं को 6 चक्कर मारना है, और 7वें चक्कर में मात्र 800 मीटर की दूरी तय करनी है महिला कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो यह वह लोग जो जिनका है रिजर्व डेट में, आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमने टोटल बता ही दिया है कितने लोग यहाँ पर पास हो चुके हैं, तब तक के लिए जय हिंद।